सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर। तो ये जो टॉपिक है ये थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है और जो हम लोग पावर प्लांट में जो वर्क करते हैं उससे भी ये रिलेटेड ही है। तो यानी कहा जाए तो ये थर्मल इंजीनियरिंग का ही बेसिक है, उसका आधार है और इसी से हम लोग बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो उससे अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि इकोनोमाइजर में वाटर का टेम्परेचर हाई होता है फिर भी वहाँ पे स्टीमिंग क्यों नहीं होता, स्टीम फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर हाइट में अगर हम लोग जाते हैं पहाड़ी इलाका में तो वाटर जो है वो पहले ही क्यों 100 डिग्री के पहले क्यों बॉइल हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि 50 डिग्री पे ही क्या हम लोग वाटर को बॉइल कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर जो है वो इसी टॉपिक से मिलेगा। तो इन सभी बातों का डिस्कशन, इस टॉपिक को डिस्कशन करते हुए हम लोग इसका आंसर भी निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेशन और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर, तो क्या होता है सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सेचुरेशन वर्ड लगा है पहले उसको समझ लेते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर तो हम लोग पहले भी सुना सुना लग रहा है ना, तो ये इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन जो प्रेशर आ जाता है ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम लोग इसी को समझते हैं कि सेचुरेशन क्या चीज़ है। तो देखिए सेचुरेशन को हिंदी में अगर कहा जाए तो उसका मतलब होता है संतृप्त हो जाना, किसी चीज़ से परिपूर्ण हो जाना या किसी चीज़ से भरपूर हो जाना। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि आप किसी दोस्त के शादी में गए हैं, उसके डिनर पार्टी में, तो वहाँ पे आपका फेवरेट रसगुल्ला रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे गए और वहाँ पे बोले कि भाई अब रसगुल्ला रखा हुआ है तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर आपका फेवरेट है तो आप ज़्यादा खाएंगे। तो सपोज कीजिए अगर आप 10 रसगुल्ला अगर खाते हैं तो आपका मन जो है वो संतृप्त हो जाता है। तो वहाँ पे गए भाई 10 रसगुल्ला चाहिए, ठीक है, तो 10 रसगुल्ला मांगे, अब खा भी लिए 10 रसगुल्ला, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि मन जो है अब संतृप्त हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो वही बात है कि अगर मतलब कि क्या है कि हम लोग वो जो 10 रसगुल्ला आप जो खाएं तो उससे आप तृप्त हो गए यानी कि सेचुरेटेड हो जाए, तो उसी पॉइंट पे यानी 10 रसगुल्ला खाएंगे ना तो ही आप सेचुरेटेड हो पाएंगे, तो उसी पॉइंट को कहा जाता है सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको 10 रसगुल्ला से कम मिलता तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा मिलता तो भी प्रॉब्लम है। अगर कम मिलता, मान लीजिए 2-3 को ही मिलता, तो आप अनसेचुरेटेड रह जाते, मन में सोचते हैं कि थोड़ा और 2-4 को मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, तो ऐसा सोचते हैं, अब सबके सामने बोल तो नहीं रह सकते हैं। तो क्या है कि कम मिलता तो अनसेचुरेटेड रहते हैं, 10 को मिलेगा तो सेचुरेटेड हो जाएंगे, अगर 10 को से ज़्यादा मिल जाए तो ओवर सेचुरेटेड हो जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो हमको यहाँ पे सेचुरेशन को समझना है, तो अभी हम लोग सेचुरेशन की बात करते हैं। तो 10 को रसगुल्ला में आप सेचुरेटेड हो जाते हैं तो वो उसी का मतलब होता है संतृप्त हो जाना यानी कि सेचुरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर को। ठीक है, तो एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, उसी से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर का बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो आप बहुत ही आसानी से कह देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये हम लोग जैसे बचपन में पढ़ते थे तो बहुत ही आसानी से बोल देते थे, लेकिन अगर अभी अगर बोल दिया जाए तो ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब हायर स्टडी किए, जैसे 11-12 में आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जब आप पढ़े होंगे, जब थोड़ा बहुत बेसिकली तो पढ़े ही होंगे 11-12 में थर्मल के भी बारे में, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर बता रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको प्रेशर भी बताना है, क्योंकि प्रेशर के साथ क्या होता है उसका वेरिएशन होता है। जैसे अभी प्रेशर कम ज़्यादा करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम या ज़्यादा होगा। तो हमारा जो भी हम लोग जैसे 100 का अगर आंसर दे देते हैं कि 100 डिग्री होता है, तो ये माइंड में लेके चलते हैं कि हमारा जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसी को ध्यान में रखते हुए बोल देते हैं। ठीक है, और इसीलिए सामने वाले समझ भी जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि प्रेशर के साथ हमारा ये जो है वो चेंज होता है। तो जब कभी अगर हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ हमको प्रेशर के बारे में भी बताना है कि उसके रिस्पेक्ट में क्या प्रेशर है। तो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या हुआ, ये सेचुरेशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वाटर जो है वो अपना फेज चेंज करता है या वाटर अपना जो है वो बॉइलिंग होने लगता है, तो उसी पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है और जिस टेम्परेचर पर होता है उसी को सेचुरेशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है सेचुरेशन प्रेशर। अब सेचुरेशन प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट ही होता है।
देखिए यहाँ पे प्रेशर को लेकर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए टेम्परेचर को लेकर, तो यहाँ पे प्रेशर को लेकर बात करेंगे कि जिस प्रेशर पे हमारा जो वाटर है वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग होने लगेगा, यानी कि फेज चेंज करेगा जिस प्रेशर पे, ठीक है, तो उसी प्रेशर को कहा जाएगा सेचुरेशन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर को भी डिस्क्राइब करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेचुरेशन टेम्परेचर को बताने के टाइम प्रेशर बता रहे थे, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है हम लोग नॉर्मल एटमोस्फेरिक कंडीशन में बता रहे हैं, और नॉर्मल एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितना है, 1 atm होता है, ठीक है, यानी कि 1 atm में आपका जो सेचुरेशन जो टेम्परेचर है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि हमारा वाटर का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री आएगा तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो गया सेचुरेशन टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में, 1 atm के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और अगर सेचुरेशन प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो कितना हो गया सेचुरेशन प्रेशर, तो 1 atm हो गया, ठीक है, 1 atm हो गया सेचुरेशन प्रेशर, कितना टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो बोल कब होगा हमारे यहाँ पे वाटर, जब हम लोग का वाटर जो है वो 100 डिग्री के सेंटीग्रेड में होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएगा तो हमारा जो वाटर है वो बॉइल नहीं होगा, उस समय हमको इसको हम लोग सेचुरेशन प्रेशर नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम सेचुरेशन टेम्परेचर को बता रहे हैं तो हमको सेचुरेशन प्रेशर भी बताना है, और सेचुरेशन प्रेशर बता रहे हैं तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी बताना है, यानी कि ये दोनों अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों जुड़वा भाई है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें देखें कि हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर अप डाउन, सॉरी प्रेशर अगर अप डाउन होगा तो हमारा जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो भी अप डाउन होगा, जैसे 1 atm में जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जैसे ही अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे 2 atm कर दिए तो हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, अगर मान लीजिए 5 atm कर दिया तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 151 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि इतना टेम्परेचर आएगा तो हमारा वाटर बॉइल करेगा इस प्रेशर में, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेशर अगर 5 atm है तो अब ये 100 डिग्री पे हमारा वाटर बॉइल नहीं करेगा, अब हमारा 151 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे ना तो बॉइल करेगा, उसी तरह अगर हम लोग 100 atm कर दिए ना तो हमारा जो वाटर जो बॉइल करेगा वो लगभग 311 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस टेम्परेचर पे हमारा जो वाटर है वो बॉइल करेगा, तो इसी से हमारा आंसर जो है वो बॉयलर वाला निकल गया, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था शुरू में कि हमारा इकोनोमाइजर में जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, लगभग 250 से 280 के आसपास होता है, तो वहाँ पे हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लगभग 100 या 110 के आसपास होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमारा जो प्रेशर जो है वो ज्यादा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका सेचुरेशन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो 100 एटीएम में यानी 100 केजी के अगर आसपास आप देखेंगे ना स्टीम टेबल से देख लीजिएगा सारा टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, तो यहां पे मान लीजिए कि 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वहां पे टेम्परेचर है प्रेशर है इकोनोमाइजर में, तो उस प्रेशर पे अगर हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर निकालेंगे तो लगभग 310 डिग्री के आसपास आएगा, ओके इतना आसपास में आएगा स्टीम टेबल से एक्यूरेट निकल जाएगा, तो इतना अगर आएगा तो अब हम लोग देखें कि हमारा जो टेम्परेचर कितना रहता है 280 के आसपास है 250 के आसपास है, तो अब क्या वो बॉइल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो है वो 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके रिस्पेक्ट में जो होगा वो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है वो 310 है, 310 आएगा तो ही हमारा वाटर बॉइल हो सकता है, वरना वो बॉइल नहीं होगा, वो वाटर की कंडीशन में रहेगा, इसलिए हमारे इकोनोमाइजर में जो वाटर का टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी वो वाटर कंडीशन में ही रहता है, ठीक है, तो सब इसी का खेला है, सेचुरेशन प्रेशर और सेचुरेशन टेम्परेचर का ही वहाँ पे सारा गेमिंग है, ओके। तो अभी मैं जैसे दूसरा एग्जांपल बताया था कि पहाड़ी इलाका में अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे क्यों हमारा जो वाटर है वो पहले बॉइल हो जाता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, सेचुरेशन टेम्परेचर, तो अगर प्रेशर को अगर घटा देते हैं तो उसी अनुसार से क्या होगा, हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर भी घट जाएगा, जैसे अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 0.5 atm हो गया तो वहाँ पे जो हमारा वाटर जो बॉइल करेगा वो अब 100 डिग्री पे नहीं करेगा, वो 80 डिग्री पे ही कर देगा, ठीक है, मानी 100 डिग्री से पहले ही कर देगा, तो जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाएगा, तो 50 डिग्री में भी कर सकता है, 40 डिग्री में कर सकता है, 30 डिग्री में भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या है, ठीक है, तो समझ गए कि सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर क्या होता है, ओके। तो वही बात आ गई कि यहाँ पे सेचुरेशन इसीलिए वर्ड बोलते हैं क्योंकि हम लोग
जब वो सेचुरेट होने के लिए कितना वो हीट ले रहा है, ठीक है। अगर वो पूरी तरह से अगर हीट लेके वो अपना अपने आप में संतुष्ट हो जा रहा है कि हाँ नहीं अब मैं, जैसे मान लीजिए अब एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर जैसे वाटर को हम लोग गर्म किए, तो वाटर को अगर हम लोग गर्म कर दिए, वाटर का टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब इसको हम लोग वाटर को गर्म किए तो वाटर में क्या हुआ, हीट एडिशन हुआ, हीट जो एडिशन हुआ वो हो गया सेंसिबल हीट, ठीक है। तो सेंसिबल हीट ऐड हम लोग करते जाएंगे और एक पॉइंट तक क्या होगा कि वो हीट को लेता जाएगा, वाटर जो है वो गर्म होते जाएगा, 60, 70, 80, 90 इस तरह से होता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि सपोज कीजिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो 180 है, ठीक है। तो इतना प्रेशर पे एक पॉइंट एक ऐसा आएगा कि अब ये वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा, अब बोलेगा नहीं अब तो हम टेम्परेचर हीट को नहीं ले सकते, ठीक है। उसी तरह 10 रसगुल्ला खाने के बाद अब आप मन में आ जाता है कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जैसे ही 100 डिग्री के आसपास आएगा तो बोलेगा नहीं अब मैं हीट नहीं ले पाएंगा, और अगर इसको हीट अब दिया गया तो ये अपना फेज को चेंज कर देगा, ठीक है। अगर आपको 10 से ज़्यादा रसगुल्ला दे दिया जाता है तो क्या होता है, वोमिटिंग करने चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर हीट को अगर ज़्यादा दे दिए, 100 डिग्री का इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, अगर उससे भी ज़्यादा दे दिए तो ये क्या होगा, अब ये अपना फेज को चेंज कर देगा, ये बॉइल होने लगेगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर कहा जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो हमें अगर सेचुरेशन टेम्परेचर अगर हम किसी चीज़ का बता रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको प्रेशर भी बताना है, तभी हम लोग कंसीडर कर पाएंगे कि हाँ इतना मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना प्रेशर पे। हाँ, हमेशा दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।